नमस्कार दोस्तों, एबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि रोम वीपीएन ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले ऐसे आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, रोम वीपीएन सिक्योर प्राइवेसी ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि इसका रिव्यू 4.0 और उसकी वजह से इसकी डाउनलोडिंग है वो 1,00,000+ देखने को मिल जाएगी, जो कि 1,00,000+ है। और उसी तरह से दोस्तों, ऐसे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो किसी तरह से इस ऐप को ऐसे अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ऐप रहेगी वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने शो होने लग जाएगी। तो दोस्तों, उसी तरह से इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने इधर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगा। और उसी तरह से ऐसे ओके का ऑप्शन है तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने इधर देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से आने के बाद दोस्तों, ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों, ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर आपको सेटिंग वाइज इधर सभी शो देख करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो ऐसे हमारे सामने कुछ इधर से ऑप्शन आ चुका है। और उसी तरह से आने के बाद दोस्तों, देख सकते हो ऐसे हमारे सामने कुछ इधर से ऐसे इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा जो भी सर्वर है वो ये वाला सर्वर है, तो उसी तरह से मैं इस वाला सर्वर को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो ऐसे ऊपर की साइड आपके सामने इधर कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। और उसी तरह से दोस्तों, ऐसे हमारे सामने इधर अपना जो भी टाइमिंग का भी ऑप्शन है और उसी तरह से इसकी स्पीड चेक करनी है तो वो स्पीड का भी ऑप्शन इधर शो कर रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी कनेक्टिंग का ऑप्शन है तो ऐसे हम पहले हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों, उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसी तरह से ऐसे हमारे सामने कुछ इधर से ऐड आ चुकी है, तो उसी तरह से ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमने ऐड को क्लोज कर दिया। और उसी तरह से दोस्तों, ऐसे हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऐसे हमारे जो भी स्पीड रहेगी वो इधर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ऐसे हमारे जो भी डाउनलोड और अपलोडिंग की जो भी स्पीड रहेगी वो कुछ इसी तरह से ऐसे देख सकते हो। ऐसे नेटवर्क स्पीड टेस्ट में आपका जो भी यहाँ पर अपलोड की और डाउनलोड की स्पीड दोनों आ चुकी है। तो दोस्तों, अपनी जो भी स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी। और उसी तरह से दोस्तों, ऐसे हमारे जो भी ऑप्शन है वो ऐसे हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, इसका विजन वगैरह, इसकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है यहाँ पर आपके सामने शो करेगी। और दोस्तों, उसी तरह से इस इधर टाइमिंग का भी आपको इधर देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइमिंग करना चाहते तो भी कर सकते हो। और दोस्तों, उसी तरह से इसे डिसकनेक्ट करना है तो सिंपली इस वाला ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है, क्योंकि ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इधर से इस ऐप को ऐसे आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।